जी जगन्नाथ, अगर आपको एक्सेल में नेस्टेड इफ वाला फंक्शन को यूज करना है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक्सेल के पास जाना पड़ेगा, और एक्सेल में यहाँ पे मैं D7 का क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे फॉर्मुलेट करके रखा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि 10 स्टूडेंट है, उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और ये क्लास 10th का स्टूडेंट है, और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिया है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, और SST है, और हर एक के हिसाब से यहाँ पे मार्क एंट्री हुआ है। तो हमारा जो टारगेट रहेगा, टोटल निकालेंगे, टोटल कितना मार्क रखा है, परसेंटेज किस तरह का कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर देखेंगे, उसके बाद पास या फेल है उसके बारे में देखेंगे, कौन सा डिवीजन रखा है विथ रेस्पेक्ट टू किसके परसेंटेज के बेसिस में, कौन सा डिवीजन रखा है, मिनिमम मार्क हम लोग देखेंगे कि 33 मार्क रखा है कि नहीं, उसके बेसिस में देखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल काम हम लोग करेंगे, ये 5 चीज करेंगे आज का वीडियो में। तो पहला टारगेट रखेगा, तो आपको पता ही होगा, अगर कोई स्टूडेंट 100 से 33 मार्क या 33 मार्क रखता है तो उसको हम लोग पास बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग 33 से अगर 45 तक उसका मार्क आता है परसेंटेज के हिसाब से, उसको थर्ड डिविजन बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि 45 मार्क से अगर 60 मार्क तक जाता है तो उसको हम लोग सेकेंड डिवीजन बोलते हैं, और जो 60 से लेके 100 तक जाता है उसको हम लोग फर्स्ट डिवीजन का स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला टारगेट रहेगा हम लोग टोटल निकालेंगे। देखो टोटल निकालने के लिए आपको पता है सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हम लोग सॉम कर रहे हैं, किसका सॉम कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पे अर्जुन जो स्टूडेंट है, यहाँ पे इंग्लिश से लेके SST तक जितना मार्क है उसको हम लोग अगर सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली टोटल आ जाता है। इसलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक तो प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, और मान का कैसे हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल लिख के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इक्वल लिखूंगा, आपको पता है कभी भी आप फॉर्मूला में काम करना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ता है कि इक्वल साइन देना पड़ता है, उसके बाद हम लोग सम वाला फंक्शन लिख के ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट आप कर सकते हो शिफ्ट और 9 को दबा के। नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो अरमान का मार्क है इंग्लिश से लेके SST तक उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरह का अगर एंट्री करेंगे तो हम लोग को अरमान का मार्क आ गया यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा नीचे तो ऑटोमेटिकली बाकी जो स्टूडेंट है ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। तो टोटल निकालना बहुत इजी है, आपको भी प्रैक्टिस कर, जब बिना प्रैक्टिस कर तो कुछ फायदा नहीं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो टोटल निकालना बहुत इजी है, सम फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज किस तरह का निकालते हैं, परसेंटेज इस तरह का निकालते हैं कि भाई टोटल मार्क हो गया 324 मार्क, उसको हम लोग 500 मार्क में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का टोटल मार्क है 100 मार्क, तो 5 सब्जेक्ट है तो टोटल हो गया 500 मार्क। तो 324 के साथ हम लोग अगर 500 से डिवीजन करेंगे, 324 बाई 500, और उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को परसेंटेज मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अरमान के लिए यहाँ पे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल लिखूंगा और ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मैं जो टोटल मार्क है अरमान का 200 मार्क उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा किससे, 500 हम लोग का टोटल मार्क है 5 सब्जेक्ट का, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 100। 100 किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो अरमान का 40% आ जाता है। तो बाकी स्टूडेंट का भी हम लोग को निकालने के लिए क्या करना है, जो प्लस साइन है उसको सिर्फ ड्रैग करके नीचे लेके आना है, ऑटोमेटिकली बाकी स्टूडेंट का भी परसेंटेज निकल जाएगा। नेक्स्ट टारगेट है, जो 3 नंबर टारगेट है आज का ये क्वेश्चन में, नेक्स्ट देखेंगे पास है या फेल है, उसके लिए क्या हम लोग लेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि भाई जो स्टूडेंट है, यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग खुद प्रैक्टिस एक बार कर लेते हैं, ठीक है। जो अर्जुन है उसका अगर पास वाला कंडीशन क्या दिया है, यहाँ पे देखो लिखा है कि अगर इफ लिखा, आप फॉर्मूला बार को थोड़ा सा देखिए, इफ लिखा उसके बाद अगर बोला कि मिनिमम क्या है D19 से लेके H19 तक, अगर वो उसका मार्क जो है हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे अगर 33 से अगर ज्यादा है तभी हम लोग पास बोलेंगे, उसके बाद फेल बोलेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे मैं अरमान के लिए केस ले रहा हूँ, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट जो देखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी देख सकते हो, मैथ देख सकते हो, साइंस देख सकते हो, SST देख सकते हो, हर एक का जो मिनिमम वैल्यू 33 से इक्वल रहेगा या ग्रेटर देन रहेगा, तब जाकर हम लोग बोलेंगे कि ये पास है नहीं तो ये फेल है। तो इस हिसाब से हम लोग कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा,
इक्वल लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इफ वाला फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और हमारा कंडीशन क्या है यहाँ पे, लॉजिकल टेस्ट क्या है, क्योंकि पहले हम लोग को लॉजिकल टेस्ट चाहिए, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लॉजिकल टेस्ट में क्या हम लोग लिखेंगे कि भाई अगर मिनिमम होगा, क्या मिनिमम होगा जो इंग्लिश से लेके यहाँ पे क्या आ गया, हाँ मिनिमम होगा, मिनिमम के बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ, तो जो इंग्लिश से लेके यहाँ पे एसएसटी तक है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद क्या लिखेंगे, अगर ये जो मिनिमम वैल्यू है इंग्लिश से लेके एसएसटी मार्क है, अगर ये इक्वल रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा किससे, 33 से, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पास। तो पास को हम लोग क्या करेंगे कि डबल कोट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो पास होगा। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कमा देंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये हो गया फेल। तो इसी हिसाब से आप पास और फेल को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसको अगर एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये पास हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे खींचेंगे, ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक तो फेल आया है, क्यों फेल आया है, यहाँ पे देख सकते हो सरमन जो क्लास 10th का है यहाँ पे 23 मार्क रखा है, 31 मार्क रखा है, 33 मार्क रखा है, 33 मार्क पास है, लेकिन 23, 31 ये 33 से लेस है, 33 मार्क से लेस है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ रहा है कि फेल आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर में रहे। नेक्स्ट देखेंगे कि डिवीजन, ये जो डिवीजन हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या चाहिए हम लोग को, हम लोग को ये क्वेश्चन है कि भाई जो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग रखे हैं 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे कौन सा फर्स्ट डिवीजन मिला है, कौन सा सेकंड डिवीजन मिला है, कौन सा थर्ड डिवीजन मिला है, कौन सा फेल है, ये चार कंडीशन को देखेंगे। अगर फर्स्ट डिवीजन है तो कंडीशन क्या होगा, उसका जो मार्क रहेगा मतलब परसेंटेज जो रहेगा वो ग्रेटर देन 60% रहेगा, इक्वल एंड ग्रेटर देन 60% रहेगा। फिर से हम लोग कंडीशन देंगे, अगर जो परसेंटेज है अगर 45 से ग्रेटर देन इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सेकंड डिवीजन बोलेंगे। उसी हिसाब से थर्ड डिवीजन और फेल के लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे। तो ये जो बार बार अगर 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 आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको नेस्टेड इफ वाला कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन मिला है अर्जुन को, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे पहले देख सकते हो फॉर्मूला बार को आप अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग इक्वल लिखेंगे, उसके बाद इफ लिखेंगे, और यहाँ पे बोले कि J19, J19 मतलब उसका जो परसेंटेज निकला है 64.8, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा कितना, 60 रहेगा, तब हम लोग फास्ट बोलेंगे। अगर फिर से स्टार्ट हो गया, अगर उसका जो परसेंटेज है J19 वाला जो सेल है ग्रेटर देन इक्वल टू 45 रहेगा, हम लोग उसको सेकेंड बोलेंगे। अगर J19 जो रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 33 रहेगा, हम लोग थर्ड बोलेंगे। अगर J19 इज लेस देन 30 रहेगा, तब हम लोग फेल बोलेंगे। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, अरमान के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके देख देते हैं अरमान के लिए क्या हो सकता है। फिर से हम टाइप करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल चीज है, आपको आपको इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल साइन लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर वाला कंडीशन मतलब इफ लगाना पड़ेगा। इफ क्या है, इफ अगर हम लोग देखेंगे जो परसेंटेज है, यहाँ पे मैं परसेंटेज किसका है अरमान का, तो यहाँ पे 40% आ रहा है, तो इस वाला सेल को मैं ही सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इसको अगर ये हो गया लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे क्या है, अगर 40% इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन सिंबल देंगे, उसके बाद हम लोग इक्वल इक्वल साइन देंगे। अगर ये हुआ कितना से, अगर हम लोग को फर्स्ट डिवीजन चाहिए तो हम लोग को क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, कंडीशन आ जाएगा थर्ड फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि ये फर्स्ट डिवीजन है, तो फर्स्ट लिखूंगा, उसके बाद डबल कोट दे के यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि कमा दूंगा, ठीक है। कमा देने के बाद फिर से अगर हम लोग को सेकेंड डिवीजन चाहिए तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा कि इफ लिखना पड़ेगा, और इफ लिख के क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट होगा और यहाँ पे लॉजिकल स्टेट देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये जो 40% है, 40% इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड डिवीजन बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये सेकेंड डिवीजन है, ठीक है, सेकेंड डिवीजन है। तो यहाँ पे मैं डबल कोट में क्लोज करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा कि फिर से कमा दूंगा। तो सेकेंड डिवीजन हो गया। अगर हम लोग को थर्ड डिवीजन है तो कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होना चाहिए। तो फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर से
हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्या, J20। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट देखो सिलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि J20, ठीक है। इफ J20 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 33 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे थर्ड डिविजन। तो यहाँ पे मैं थर्ड लिख देंगे, THIRD थर्ड लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर इसको लिख रहा हूं और यहाँ पे कॉमा लिख रहा हूं। अगर 33 से कम है तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लिख देंगे J20 पर्टिकुलर सेल को जो हम लोग सिलेक्ट करके रखे, इज लेस देन क्या है 33 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ब्रैकेट लिखेंगे, सॉरी कॉमा देंगे और यहाँ पे डबल कोट में लिखेंगे भाई ये फेल है, ठीक है। यहाँ पे फेल हो गया है, 33 से कम है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फेल होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपन मतलब ब्रैकेट क्लोज करोगे, देखो लास्ट वाला जब रेड कलर आ जाता है इसका मतलब क्या है, और एक तो चाहिए हम लोग को क्योंकि स्टार्टिंग हुआ है ब्लैक कलर का। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो ब्रैकेट है, और यहाँ पे देख सकते हो उसका कलर कोडिंग यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक है तो लास्ट वाला भी ब्लैक रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एंट्री करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये थर्ड डिविजन इनको मिला है, 40% है ऑब्वियसली, 30 डिविजन है, 33% से हम लोग 45% तक हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड डिविजन बोलते हैं। तो आज इसको आप सिलेक्ट करके अगर नीचे ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर यहाँ पे और एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो अर्जुन है जो स्टूडेंट नंबर 1 है यहाँ पे, उसका जो इंग्लिश मार्क है यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई ये क्या है कि यहाँ पे क्या इसका मार्क जो है 30 मार्क है, मतलब लेस देन 33 है जो कि फेल है। यहाँ पे अगर एंट्री करता हूँ तो देखो यहाँ पे पास और फेल में हम लोग क्या मिनिमम वाला नंबर लिए थे कि 33 से अगर कम रहेगा तो फेल हो जाएगा, 33 से ज्यादा रहेगा तो पास रहेगा। तो यहाँ पे देखो पास एंड फेल में फेल दिखा रहा है, लेकिन डिवीजन में क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए या क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिवीजन रहेगा यहाँ पे फेल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फेल नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे है इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मैं सेम चीज को यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे देखो फेल लिखा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है कि यहाँ पे जो वैल्यू है हम लोग मिनिमम वाला कंडीशन को फिर से इफ स्टेटमेंट के अंदर लाए हैं, तभी जाके यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो मैं इसी जो फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो इक्वल के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इफ इफ और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, मिनिमम ऑफ क्या है मार्क होना चाहिए, क्या मिनिमम ऑफ क्या इंग्लिश से लेके SST तक मार्क होना चाहिए, और ये जो मार्क रहेगा वो क्या होगा, इक्वल टू क्या होना चाहिए 33, इक्वल टू होना चाहिए 33। अगर 33 है तब क्या है, इक्वल एंड ग्रेटर देन, यहाँ पे सिंबल दिखाएंगे ग्रेटर देन, इक्वल एंड 33 सिंबल दिखाएंगे, अगर है तो ये क्या है पास, नहीं तो क्या होगा ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि ये वाला हो गया पास। तो ये चीज आपको ऐड करना पड़ेगा जब हम लोग सब सब्जेक्ट का वैल्यू जो है वो 33 से ऊपर है, ठीक है, और फिर से यहाँ पे कमा दे देंगे और एंड में जाएंगे, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखो यहाँ पे और यहाँ पे मैं फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ किया, तो यहाँ पे मैं फेल वाला कंडीशन लाना चाहता था लेकिन मैं पास वाला लिख दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग मॉडिफाई कर देंगे और इसको लेस देन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि फेल, मिनिमम अगर 33 से कम है तो हम लोग यहाँ पे फेल वाला कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, एंड करेंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे। देखो अभी फेल आ गया, तो इसको अगर मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ पे, और ये परसेंटेज और मिनिमम के हिसाब से अगर हम लोग लेंगे तो अगर नीचे ले आऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे फेल दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फेल है, यहाँ पे भी कंडीशन देख सकते हो यहाँ पे भी फेल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि नेस्टेड ई फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, और अगर आपका बार बार अगर वाला कंडीशन आ रहा है, इफ वाला कंडीशन आ रहा है, इफ
33 से अगर कम मार्क है तो फेल है, अगर 60 के ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन है, 45 के ऊपर है तो सेकंड डिवीजन है, 33 के ऊपर है तो थर्ड डिवीजन है, नहीं तो फेल है। इस तरह का चीज अगर जब करते हो तो इस तरह का आप नेस्टेड इफ वाला फॉर्मुलेशन को यूज करके आपका जो एक्सेल का काम है आप कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर कुछ डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ। लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।